नमस्कार, न्यूज अब तक से वरुण शर्मा। और आज ऐसी घटना मध्य प्रदेश के सीधी जिले में हुई जिसको सुनकर दिल दहल गया। घटना इतनी हृदय विदारक थी कि देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और कई राज्यों के मुख्यमंत्री और वरिष्ठों को इस पर शोक संवेदना व्यक्त करनी पड़ी। हम बता दें, सीधी जिले के सरदा गांव में आज नहर में एक बस गिर गई जिसमें 40 से ज़्यादा यात्रियों की मौत हो गई। घटना सुबह 7 से 8 बजे के बीच बताई जा रही है। मौके पर जो लोग थे उन्होंने 7 लोगों की जान तो बचा ली, लेकिन बस इतनी गहरे में चली गई कि वहां जाना पाना संभव नहीं था। जैसे ही प्रशासन को सूचना हुई, वैसे ही आईजी, कमिश्नर और चारों जिले के कलेक्टर मौके पर पहुंचे और भारी पुलिस बल के साथ गोताखोर और NDRF की टीम पहुंची। 5 घंटे के रेस्क्यू के बाद बस को ढूंढ लिया गया और जब शवों को निकालने का सिलसिला शुरू हुआ तो वह दृश्य देखकर हर आंखें नम हो गईं। तत्काल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने 2 मंत्रियों रामखिलावन पटेल और तुलसीराम सिलावट को मौके पर भेजा और पूरी स्थिति की जानकारी ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की घोषणा की है। इसके बाद भी अभी रेस्क्यू जारी है। हालांकि प्रशासनिक तौर पर रेस्क्यू पूरा कर लिया गया है और मृतकों की संख्या 46 बताई जा रही है, जिसमें अधिकतर निवासी सीधी और सिंगरौली जिले के हैं। सतना से भी एक व्यक्ति पाया गया है, हालांकि अभी पुष्टि होना शेष है, लेकिन जल्द ही प्रशासनिक तौर पर इन बातों को स्पष्ट कर लिया जाएगा। सीधी के सारदापाटन गाँव में आज सवेरे बहुत दुखद बस दुर्घटना हुई है। 7 लोग तो सुरक्षित निकल गए थे, नहर का पानी तत्काल बंद किया था, अब बस निकल रही है। घटना बहुत दुखद है। हमने सवेरे से ही राहत और बचाव के काम प्रारंभ किए थे। कलेक्टर, SP, कमिश्नर, IG सहित SDRF की टीम आवश्यक संसाधनों के साथ प्रशासन वहां तत्काल पहुंच गया था। क्रेन, हाइड्रा से लेकर जितनी जरूरी चीजें थी, डॉक्टर, एम्बुलेंस, सारी व्यवस्थाएं की गई और आज सारे राहत के कामों की देखरेख के लिए 2 मंत्री साथी हम लोगों ने कैबिनेट की आपात बैठक भी बुलाई और ये फैसला किया कि अभी कैबिनेट की बैठक स्थगित रहेगी। आज PM आवास के गृह प्रवेश का कार्यक्रम भी हम लोगों ने स्थगित किया। पहली प्राथमिकता राहत और बचाव कार्य की है और इसलिए कैबिनेट की बैठक भी स्थगित की है। हमारे मंत्रिमंडल के 2 साथी श्री तुलसीराम सिलावट जी, जल संसाधन मंत्री, और रामखिलावन पटेल जी, हमारे राज्य मंत्री पंचायत ग्रामीण विकास, उनको हम रवाना कर रहे हैं। मैं स्वयं महाप्रशासन के संपर्क में हूं और लगातार बात कर रहा हूं। घटना बहुत दुखद है, लेकिन जो बेहतर प्रयास हो सकते हैं उनमें कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हम बता दें कि सीधी से कुछ छात्र सतना परीक्षा देने आ रहे थे और जो तय रूट मार्ग था छुईया घाटी, वहां जाम लगा होने की वजह से छात्रों की चिंता करते हुए ड्राइवर ने नहर के किनारे किनारे रामपुर नैकिन थाना क्षेत्र से गाड़ी को निकालना शुरू किया। इसी शॉर्टकट के चक्कर में बस का बैलेंस बिगड़ा
और वह नहर में समा गई। जिस तरीके से बस को जब निकाला गया तो उसमें कई सौ फंसे हुए थे। स्थानीय लोगों का कहना है कि कुछ लोग बह भी गए हैं, लेकिन अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि प्रशासन ने नहीं की है। जिसने भी सुना उसका दिल दहल गया और हर आंखें आज नम थी, क्योंकि बसंत पंचमी का त्यौहार और उसका रंग भी आज फीका हो गया। इस हृदय विदारक घटना को लेकर न्यूज अब तक की टीम भी अपनी शोक संवेदना व्यक्त करती है और मृत आत्माओं की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करती है। ये थी न्यूज अब तक की विशेष रिपोर्ट। मैं न्यूज अब तक से वरुण शर्मा। कैंसर से मृत्यु का एक तिहाई कारण कम शारीरिक गतिविधियां और तंबाकू और शराब का सेवन है। सही समय पर सही इलाज से इससे बचा जा सकता है। तो इस नेशनल कैंसर प्रिवेंशन अवेयरनेस मंथ बालको मेडिकल सेंटर नया रायपुर लाया है फ्री कैंसर स्क्रीनिंग कैंप, जहां आपको FNAC, पैप स्मियर और मैमोग्राफी जैसे टेस्ट भी फ्री होंगे। लक्षणों को मत करो नजरअंदाज और जल्द से जल्द करवाएं कैंसर की जांच। कैंसर से लड़ाई में आपके साथ है बालको मेडिकल सेंटर नया रायपुर।